हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इंग्लिश रीडर का जो लेसन 5 था, द लविंग फादर, उसकी ट्रांसलेट कराई थी। आई होप आपको उसकी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने रीडिंग भी कर ली होगी। बेटा मैं आपको एक बार कह दूँ, रीडिंग मस्ट है, इससे आपकी जो रीडिंग है वो आपकी इम्प्रूव होगी और जो वैकेबलरी आप रीडिंग करते जाओगे और आपकी जो वैकेबलरी है वो भी अच्छी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो रीडिंग मस्ट है आपको। जो भी मैं हम काम कराते हैं उसको आप ध्यान से वीडियो को वॉच करना। तो आज हम आपका जो लेसन 5 था उसकी रीडिंग पूरी हो चुकी थी। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग करा रही हूँ, उसमें से मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आप छाटे हैं, उसमें से आपको अब जो भी इसके मीनिंग है मैं उसको आपको हिंदी में बता रही हूँ। फर्स्ट है हमारा विलेज। विलेज तो सबको पता होगा बेटा, सबने विलेज देखा है। तो उस विलेज को क्या बोलेंगे? गांव। गांव में, गांव उसमें दो भाई रहते थे ना, उनका जो पिता था वो रिच फार्मर थे। शेयर मीन क्या होगा? हिस्सा बांटना, हिस्सा बांटना। उसके छोटे बेटे ने कहा था कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से आप मेरा हिस्सा दे दो, मीन्स धन जो भी है वो सारे पैसे मुझे दे दो। पॉपुलर है, लोकप्रिय है। जब उसका छोटा बेटा दूर चला जाता है रहने के लिए एक टाउन में, तो वो वहाँ पर बहुत पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि उसके पास उस टाइम बहुत सारे पैसे होते हैं और वो अपने पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ाता था, मौज मस्ती करता था। तो पॉपुलर होगा, लोकप्रिय है। बेटर ऑफ मीन्स सबसे अच्छा, उसकी किस्मत बेटर ऑफ मतलब बहुत अच्छा है, किस्मत का धनी। साथ साथ राइट करते जाना बेटा, मैं साथ साथ आपको इनके वर्ड भी बता रही हूँ हिंदी में, तो आप साथ साथ इनके राइट करते जाना। हेल्पलेस है असहाय, कोई भी मतलब सहायता नहीं करने वाला। तो उस टाइम हम अपने आप को मुसीबत में हेल्पलेस महसूस करते हैं। बोरो उधार लेना, किसी से हम कुछ भी पैसे उधार लेते हैं तो उसको हम बोरो बोलते हैं। ओके बच्चों, ओनर, ओनर है सम्मान में। तो उसके पिता ने अपने छोटे बेटे के सम्मान में क्या किया? एक जश्न रखा, एक अच्छी पार्टी रखी। अट्रूडिंग है ट्रूडिंग, ट्रूडिंग के मींस है पाँव का घसीटना, पाँव को घसीट कर चलना। जैसे हमारे पाँव में कभी लग जाती है तो हम लंगड़ा के चलते हैं ना, तो वैसे ही ट्रूडिंग उसको हम बोलते हैं, पाँव घसीटना। स्टैमर्ड हकलाकर, हकलाना, हकलाकर बोलना रुक रुक कर, जैसे हम टक टक कर बोलते हैं ना कभी, जैसे कोई हमें मतलब डर के मक्कार या किसी से हम हकलाकर बोलते हैं, हकलाना। स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। ओके ये तो हमारे थे बेटा 10 वर्ड मीनिंग। मैंने आपके लेसन में से कुछ वर्ड फाइंड आउट किए थे जो हमारे डिफ़िकल्ट भी हैं, और इनके मैंने आपको हिंदी भी करा दी है, इन वर्ड की हिंदी आपको करा दी है। तो अब है हमारा एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। तो सारे बच्चे बुक ओपन कर लीजिए बच्चों, और हमारा पेज नंबर है 33। बी पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फर्स्ट है हमारा द यंगर सन मूव्ड टू ए डैश लैंड। जो यंगर सन था वो कहाँ चला गया? बहुत दूर चला गया। तो हमारा आएगा फार ऑफ, फार ऑफ। ओके बेटा, राइट करते जाना साथ साथ, जिसे आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। सेकंड है ही वाज ऑल अलोन एंड डैश, वो अकेला रह गया था और हेल्पलेस असहाय हो गया था, हेल्पलेस। ओके अब है आई हैव डन समथिंग वेरी डैश बैड, आई हैव
डन समथिंग वेरी बैड, उसने बहुत बुरा टाइम देखा था, तो इसमें हमारा बैड आएगा। फोर्थ है हिज फादर डैश हिम, जब उसका बेटा आ जाता है तो वो अपने पिता से क्या मांगता है, क्षमा मांगता है। क्षमा मांगना क्या होगा, मैंने आपको जब लेसन रीड कराया था आपको, तब उस टाइम भी मैंने कुछ वर्ड लिखवाए थे और उनकी हिंदी लिखवाई थी, आपको बताया था कि क्षमा मांगना क्या होता है, फॉरगिव, फॉरगिव। उसने अपने पिता से कहा था कि आप मुझे क्या क्षमा कर दोगे। लेट अस फॉरगिव हिम एंड एंजॉय, उसके पिता ने अपने बड़े बेटे से क्या कि यह भूल जाओ और जो तुम्हारा भाई है वो आया है तो उसको क्षमा कर दो और मौज मस्ती करो। लेट अस फॉरगिव हिम एंड एंजॉय, तो इसमें बेटा एंजॉय आएगा। राइट कर लिए होंगे साथ साथ, फिलअप्स आपने भर लिए होंगे। अब है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है हमारा लॉन्ग अगो डैश ब्रदर लिव्ड इन ए विलेज, बहुत टाइम पहले कितने ब्रदर्स रहते थे गांव में, टू थे, थ्री थे या फोर थे, टू ब्रदर रहते थे। फर्स्ट ऑप्शन है ए, ए है हमारा, तो आप ए पर टिक लगा लीजिए बच्चों। सेकंड है द फादर वाज ए रिच डैश पुअर लीडर या फार्मर, द फादर वाज ए रिच डैश, उसके जो पापा पिताजी थे डॉक्टर थे, प्लेडर थे या फार्मर थे, तो सी पे हमारा फार्मर पर आएगा, तो आप सी पर टिक लगा लीजिए। थर्ड है गिव मी माय शेयर ऑफ डैश, मुझे अपना मतलब किस में से शेयर दे दो, में से वेल्थ में से या मनी में से, तो क्या आएगा बेटा वेल्थ, आप बी पार्ट पर वेल्थ पर टिक लगा लीजिए। फोर्थ है हिज फादर लुकड आउट फॉर हिज सन वेरी डैश, उसके पिता अपने बेटे को हर दिन ढूंढते थे और इस उम्मीद से कि उसका बेटा वापस आ जाए, तो इसमें आएगा बेटा डे, एवरी डे हर दिन ढूंढते थे। ए है हमारा डे, तो आप डे पर टिक लगा लीजिए। आई होप आपको मैंने आज बेटा वर्ड मीनिंग और फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन कराए, आपको एक्सरसाइज कराई है इस लेसन की, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने वर्ड फिलअप्स जो हैं साथ साथ फिल कर भी लिए होंगे और टिक द करेक्ट ऑप्शन भी टिक कर लिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।